बिजू पटनायक जी के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में। इतने महान नेता अपने सदी के, और कांग्रेस के टाइम में तो उनका बहुत ही मतलब बहुत महान व्यक्ति हैं। उनके बारे में मैं अगर कुछ कमेंट करूं तो वो बहुत बड़ी बात है। और सुदर्शन जी का ये आर्ट देखिए, आपको कैसा लगा? आपने देखा आर्ट को? अद्भुत। मैं तो पहले कभी नहीं देखा था, आज अपने जीवन में पहली बार इस तरह की कलाकारी और इस तरह का वो जो बोलते हैं उनका ड्राइंग जो है वो, इट इज एक्सेप्शनल, ब्यूटीफुल। कमलेश चौबे, हम बनारस से हैं जी, हम पूरी लगातार आते रहते हैं, और अबे हमें अच्छा ये लगा कि हमको सुदर्शन पटनायक जी मिले, जो पद्म अवार्डी भी हैं और जो यहाँ पे सैंड के सबसे बड़े देश दुनिया के आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बिजू जी की कल ट्रिब्यूट टू टॉल मैन मतलब जन्मदिन है उस पर उन्होंने किया हुआ है। तो बिजू पटनायक जी और जो उनके जो बेटे हैं अभी नवीन पटनायक जी, उड़ीसा में इनका काफी सब कुछ रहा है। हम लोग मतलब देश के बाहर, जैसे आप समझ लीजिए कि आयुष्मान योजनाएं हैं, उस तरह से यहाँ महिलाओं के लिए शायद 10 लाख रुपए की योजना है और आदमियों के लिए 5 लाख। उड़ीसा और पानी के लिए रिजर्व मतलब वो कंजर्व बनाने के लिए क्या उसको बोलते हैं जिसपे उनको मिला है अवार्ड, हाँ वो सारी चीजें मिली हुई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है पुरी आके। हम चाहेंगे कि सारे लोग देश दुनिया के एक बार पुरी आए और यहाँ मिले। यहाँ पर हम लोग साइंस स्कल्पचर क्रिएट किए हैं बिजू पटनायक जी का, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका बर्थ एनिवर्सरी के लिए। हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी 5 मार्च को है और उसी समय हम लोग सैंड आर्ट के थ्रू उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इस बार हम लोगों ने डिफरेंट वे से सैंड स्कल्पचर क्रिएट किए हैं और उसके साथ ये मैसेज दिए हैं, ट्रिब्यूट टू दी टॉल मैन, जो बिजू बाबू को दुनिया भर लोग जानते हैं। और बिजू बाबू को हम लोग आज एन आर्टिस्ट हमारा कला के थ्रू यहाँ पर पूरी बीच में उनको श्रद्धांजलि दिए हैं।